हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट होस्टाइल विटनेस। सेक्शन 154 इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ होस्टाइल विटनेस। तो ये जो होस्टाइल विटनेस है उसको हिंदी में बोलते पक्षद्रोही साक्ष। तो हुई जन होस्टाइल विटनेस, हुई जन होस्टाइल, जैसे कि अपन जब केस रहती कोर्ट के सामने, जब केस शुरू हो जाती, जो केस प्रोड्यूस करता है कोर्ट में, जो फाइल करता है, जैसे क्रिमिनल केस है तो जो प्रोसिक्यूशन जो है, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपने साक्ष्य जो है, यानी गवाह जो है उनको बुलाता और उनका एग्जामिनेशन इन चीफ करता, ठीक है। यानी जो पार्टी उनको बुलाती शुरू में, यानी एक सरकारी वकील, तो अपने साइटेड जो विटनेस है गवाहदार उनको बुलाता और उनका एग्जामिनेशन करता, उनको बोलते एग्जामिनेशन इन चीफ। और एग्जामिनेशन इन चीफ में रेलेवेंट क्वेश्चन जो रहते हैं, रेलेवेंट क्वेश्चन पूछने की अनुमति रहती है। रेलेवेंट क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। तो लीडिंग क्वेश्चन कौन पूछ सकते हैं? जो अपोजिट पार्टी जो रहती है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन इन चीफ, अपोजिट पार्टी क्रॉस, अपोजिट पार्टी कैन क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, ठीक है। अपोजिट पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन करती है और क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछने की अनुमति रहती है। अब ये जो होस्टाइल विटनेस है, सेक्शन 154 इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया है होस्टाइल विटनेस। वैसा होस्टाइल विटनेस की स्पेसिफिक डेफिनेशंस नहीं दी, तो ये जो अपन सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते कि होस्टाइल विटनेस मीन्स अ पर्सन who does not support, hostile witness means person who does not support the case of party by whom he is called। जो पार्टी विटनेस करके बुलाती, जो व्यक्ति एखादे व्यक्ति को विटनेस करके बुलाता, उसके तरफ से वो साक्ष नहीं देता, ठीक है, उनके तरफ से साक्ष नहीं देता वो, उसको बोलते हैं hostile witness। He is not desire to tell the truth in favor of the person who call him। जो व्यक्ति उनको बुलाता, गवाह करते जो व्यक्ति उनको बुलाता, वही व्यक्ति के तरफ से वो गवाह नहीं देता, उसको बोलते होस्टाइल विटनेस, ठीक है। अभी होस्टाइल विटनेस की अपने इंडियन एविडेंस एक्ट में डेफिनेशंस नहीं दी, लेकिन ये जो टर्म है, ये टर्म एक केस लॉ में डिस्कस किया है सुप्रीम कोर्ट ने होस्टाइल विटनेस के बारे में, सतपाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। सतपाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया है एंड डिफाइन किया है होस्टाइल विटनेस एज अ वन हु इज नॉट विलिंग टू टेल द ट्रूथ व्हेन पार्टी कॉल्स हिम, ठीक है। जो पार्टी वो विटनेस को बुलाती, ठीक है, वो विटनेस कोर्ट के सामने ट्रूथ जो फैक्ट है, वो ट्रूथ फैक्ट उनके फेवर में नहीं बोलता, ठीक है, वो ट्रूथ फैक्ट कोर्ट को नहीं बताता। जो पार्टी वो विटनेस को बुलाती है, वो विटनेस वो पार्टी के फेवर में ट्रूथ फैक्ट नहीं बताता कोर्ट को, ठीक है। सपोज एक व्यक्ति है, वो विटनेस है, सपोज प्रोसिक्यूशन ने वो व्यक्ति को बुलाया कोर्ट में एविडेंस देने के लिए, वो आ गया, ठीक है। अगर वो व्यक्ति जो है, वो विटनेस जो है, वो विटनेस प्रोसिक्यूशन के तरफ से नहीं बोलता है, ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, पुलिस ऑफिसर ने उनका स्टेटमेंट लिया, ठीक है, उनका स्टेटमेंट चार्जशीट में लगा हुआ है, तो उस तरह से उसने कोर्ट में स्टेटमेंट देना चाहिए, एविडेंस देना चाहिए, लेकिन वो उस तरह से एविडेंस नहीं देता। जो उसने एविडेंस, जो उसने स्टेटमेंट दिया है इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर के सामने, उसके मुताबिक वो स्टेटमेंट नहीं दे रहा, उसके मुताबिक वो एविडेंस नहीं दे रहा कोर्ट में, ठीक है, वो जो ट्रूथ फैक्ट है वो ट्रूथ फैक्ट कोर्ट को नहीं बता रहा, ठीक है, तो उस वक्त ये होस्टाइल हो जाएगा, ये विटनेस होस्टाइल हो जाएगा, यानी उस तो होस्टाइल डिक्लेयर करेंगे। इट इज़ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट टू डिक्लेयर होस्टाइल एंड टू परमिट द पार्टी हु कॉल्स हिम टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, ठीक है। अगर कोर्ट को लगा कि नहीं भाई, ये जो विटनेस है, ये विटनेस कोर्ट को ट्रूथ नहीं बताया, बता रहा, होस्टाइल हो गया, तो इस वक्त कोर्ट क्या करेंगे कि
जो पार्टी ने उसको बुलाया है, जो पार्टी ने उन विटनेस को बुलाया है उनके फेवर में नहीं बोल रहा है, ट्रूथ नहीं बता रहा कोर्ट को, तो कोर्ट उनको हॉस्टाइल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और हॉस्टाइल डिक्लेयर करने के बाद कोर्ट का ये डिस्क्रिशनरी पावर है, वो एक तो पार्टी को लीडिंग क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ करेंगे, नहीं क्रॉस एग्जामिनेशन वो विटनेस का करने के लिए अलाउ करेंगे। इट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, अलाउ कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो ये जो है सेक्शन 154 आप इंडियन एविडेंस एक्ट में ये दिया है, द कोर्ट में इन इट डिस्क्रिशन परमिट द पर्सन हु कॉल विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चन टू हीम विच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द एडवर्स पार्टी। जो एडवर्स पार्टी जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में जो लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं, वो लीडिंग क्वेश्चन पूछने के लिए कोर्ट पार्टी को अलाउ कर सकती है। जो पार्टी ने विटनेस को बुलाया और वो विटनेस हॉस्टाइल हो गया, तो उसको लीडिंग क्वेश्चन पूछने के लिए, इन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए कोर्ट उनको अलाउ कर सकती है। दैट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। जनरली लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछते हैं, लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछते हैं, कौन पूछते हैं, अपोजिट पार्टी पूछती, ठीक है। तो लेकिन अगर विटनेस हॉस्टाइल होता है, जो पार्टी विटनेस को बुलाती है और उसका विटनेस हॉस्टाइल होता है, हॉस्टाइल होता है नहीं इसका मतलब उनके फेवर से वो बोलता नहीं कोर्ट में, ठीक है, ट्रूथ नहीं बताता कोर्ट को, यानी वो हॉस्टाइल हो गया, उसका ही विटनेस उसके अगेंस्ट में वो बोल रहा है कोर्ट में, ठीक है, ट्रूथ नहीं बोल रहा, तो इस वक्त ये पार्टी को कोर्ट अलाउ कर सकती है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, वही विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करो करके, लीडिंग क्वेश्चन पूछो करके। नहीं तो लीडिंग क्वेश्चन तो क्रॉस एग्जामिनेशन में अपोजिट पार्टी पूछती, लेकिन इनको पूछने के लिए कोर्ट अलाउ कर सकती है। ये मैंडेटरी नहीं कोर्ट अलाउ करेंगी करके, कर सकती नहीं भी कर सकती, लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट का, कोर्ट अलाउ कर सकती लीडिंग क्वेश्चन पूछने के लिए। अभी ये लीडिंग क्वेश्चन पूछने के बाद, ये लीडिंग क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि लीडिंग क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चन अंडर सेक्शन 143 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट टू टेस्टिफाई द ट्रूथफुलनेस ऑफ द विटनेस, ठीक है। इनको भी अपन लीडिंग क्वेश्चन, इस तरह के लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीवियस स्टेटमेंट गिवन इन राइटिंग अंडर सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। दिस सेक्शन परमिट कॉन्ट्रेडिक्शंस एज टू द फॉर्मर स्टेटमेंट इन राइटिंग, ये इस तरह के लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन विच टेंड टू टेस्ट द वेरेसिटी ऑफ विटनेस एंड हिज स्टेटस इन लाइफ अंडर सेक्शन 146 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इस तरह के ये क्वेश्चंस लीडिंग क्वेश्चंस कोर्ट में पूछ सकते हैं, जो हॉस्टाइल विटनेस हुआ है उसको। अभी ये जो विटनेस है, अगर वो हॉस्टाइल हुआ है विटनेस, सपोज विटनेस इज कॉल्ड बाय द पार्टी, द पर्सन, द पार्टी हु कॉल्ड द विटनेस एंड ही स्टेट द ट्रूथ, ही स्टेट द ट्रूथ बिफोर द कोर्ट, बट इट इज अगेंस्ट द पार्टी हु कॉल्ड हिम, ठीक है। अगर कोई पार्टी है, पार्टी ने वो विटनेस को बुलाया है, लेकिन वो विटनेस ने ट्रूथ बताया है कोर्ट को, लेकिन उनके अगेंस्ट में, जो पार्टी ने उसको विटनेस को बुलाया है उसके अगेंस्ट में बताया है, लेकिन ट्रूथ बताया है कोर्ट को, तो ये अनफेवरेबल विटनेस है, अनफेवरेबल विटनेस। तो अनफेवरेबल विटनेस वी कैन नॉट सेड दैट इट इज हॉस्टाइल विटनेस, इसको अपन हॉस्टाइल विटनेस नहीं बोलेंगे, अनफेवरेबल विटनेस बोलेंगे, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, ये जो विटनेस है, विटनेस ने ट्रूथ बताया है कोर्ट के सामने, कोर्ट के सामने ट्रूथ बताए, जिसने भी ये विटनेस को बुलाया है, लेकिन वो विटनेस ने कोर्ट को ट्रूथ बताया है, ठीक है, ट्रूथ बताया उसने, लेकिन वो पार्टी के अगेंस्ट में बताया, पार्टी के अगेंस्ट में बताया, जो पार्टी ने उसको बुलाया उसके अगेंस्ट में बताया, लेकिन अपोजिट पार्टी के फेवर में बताया, तो ये विटनेस को अपन अनफेवरेबल विटनेस बोलेंगे, हॉस्टाइल विटनेस नहीं बोल सकते। एक केस लॉ है इसमें, आरके डे वर्सेस स्टेट ऑफ ओरिसा, आरके डे वर्सेस स्टेट ऑफ ओरिसा, ये केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि इफ द विटनेस इज स्पीकिंग द ट्रूथ एंड हिज टेस्टिमनी गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी हु हैज कॉल्ड हिम, देन ही कैन नॉट बी नेसेसरली कॉल्ड एज अ हॉस्टाइल। अ विटनेस मेन पर्पज इज टू टेल द ट्रूथ एंड नॉट टू शो एलिजेंस
to the one who has called him. Hence, unfavorable witness cannot be declared as a hostile witness. तो ये केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि जो अनफेवरेबल विटनेस है, अनफेवरेबल विटनेस को हॉस्टाइल विटनेस नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अभी ये जो हॉस्टाइल विटनेस है, ये हॉस्टाइल विटनेस होने के बाद इसका जो एविडेंशियल वैल्यू जो है, ठीक है, उसने जो एविडेंस दिया है कोर्ट के सामने, लेकिन उसकी जो एविडेंशियल वैल्यू है, कैन वी डिस्कार्ड होल एविडेंस ऑफ द हॉस्टाइल विटनेस? नो, ये उसका जो एविडेंस है पूरा अपन डिस्कार्ड नहीं कर सकते। जो उसने कोर्ट के सामने बताया और वो हॉस्टाइल हो गया और जो भी बताया, तो उसका जो पार्ट है, जो पार्ट सपोर्ट करता है, ठीक है, जो पार्ट सपोर्ट करता है वो पार्ट अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द हॉस्टाइल विटनेस, द इंडियन लॉ सेज दैट जस्ट बिकॉज पर्सन हैज टर्न हॉस्टाइल, दैट डजंट मीन द होल ऑफ हिज स्टेटमेंट शुड बी टर्न डाउन। तो ये इन द स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रमेश प्रसाद मिश्रा एंड अदर्स, ये केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि ऐसा नहीं कि वो विटनेस हॉस्टाइल हो गया, इसका मतलब उनका जो होल स्टेटमेंट है, होल स्टेटमेंट डिस्कार्ड करेंगे, ऐसा नहीं। तो यही केस में इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रमेश प्रसाद मिश्रा एंड अनादर्स के केस में ये हेल्ड किया, इट इज़ द लॉ दैट द स्टेटमेंट ऑफ द हॉस्टाइल विटनेस टू बी टेकन एज द एविडेंस वुड नॉट बी टोटली रिजेक्टेड, उसका पूरा एविडेंस रिजेक्ट नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज द पर्सन हैज मूव्ड अवे फ्रॉम हिज ड्यूटी टू स्पीक द ट्रूथ और दैट ही हैज नॉट स्पोकन इन फेवर ऑफ द प्रोसिक्यूशन। हाउएवर इन सच केस द कोर्ट कैन स्क्रूटिनाइज द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस एंड कैन रिजेक्ट ओनली द पार्ट दैट इज इनकन्सिस्टेंट विद द केस आर आर्गूमेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। जो पार्ट इनकन्सिस्टेंट है वही पार्ट डिस्कार्ड करेंगे और जो पार्ट सपोर्ट कर रहा, प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट कर रहा, तो वो पार्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एविडेंशियल वैल्यू है, एविडेंशियल वैल्यू अगर सपोर्टिंग विटनेस है, ठीक है, ही जो टेस्टिमनी रिमेन एडमिसेबल, ये जो हॉस्टाइल विटनेस की टेस्टिमनी है वो एडमिसेबल है, कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन इट इफ इट फाइंड सम कोरोबरेशन। अगर ये हॉस्टाइल विटनेस का जो टेस्टिमनी है उनका अगर कोई कोरोबरेटिव एविडेंस है, अगर कोई कोरोबरेशन करता है हॉस्टाइल विटनेस के एविडेंस को, तो इस पर कन्विक्शन कैन बी अवॉर्डेड बाय द कोर्ट, कन्विक्शन दे सकते हैं। ओनली ऑन द एविडेंस ऑफ हॉस्टाइल विटनेस कोर्ट कैन नॉट कन्विक्ट, बट इफ देर इज कोरोबरेशन टू द हॉस्टाइल विटनेस, इफ देर इज कोरोबरेशन टू द एविडेंस ऑफ द हॉस्टाइल विटनेस, देन कैन बी कन्विक्टेड द पर्सन। Depositions of hostile witness can be relied upon at least up to the extent he support the case of the prosecution. ठीक है, जहाँ तक वो पर्सन सपोर्ट कर रहा प्रोसिक्यूशन को, वो पर्सन कोर्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये hostile witness के बारे में अभी मैंने आपको आपके साथ डिस्कस किया। अभी ये hostile witness की मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई। ठीक है, और ये हॉस्टाइल विटनेस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू, टेक केयर।